साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं अपने बगीचे में आया हूँ, जहाँ के MM 111 के ऊपर जो है वो एक 40 पौधों का छोटा सा ऑर्चर्ड है मेरा, जिसमें मैंने डोरसेट गोल्डन और अन्ना प्रजाति की जो है फसल लेने का निर्णय ले लिया था 2017 में। तो साथियों, उसकी कटिंग जो मैं आज कर रहा हूँ, कटिंग कैसे की मैंने उसको भी आप देखिए, और जो काटने जा रहा हूँ वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कोई थोड़ा हट के काम किया हुआ, जैसे जो वाटर शूटें रहती हैं खाली में उन्हीं को निकालता हूँ, बाकी जो भी है फ्रूट वो है टहने से ही लेता हूँ, टहनियों से मैं फ्रूट कम ही लेता हूँ। जो मेरे मेन टहने हैं उन्हीं से मैंने बीमा जो है स्प्राउट करवाया है और उन्हीं से मैं फसल ले रहा हूँ। तो साथियों, जैसे देख सकते हो ये नई टहनी है, इसे आप यहाँ से काट देंगे। इसे काटने के बाद ये जो पॉइंट रह जाता है इसके साथ ही हमें जो है बीमा प्राप्त करना है। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपने पौधों में किया है और आप देख सकते हो कि इसके रिजल्ट जो है कितने अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा पौधा जो है बीमों से भरा हुआ है। ये सारा फ्रूटिंग पॉइंट ही है, ये फ्रूटिंग पॉइंट मैंने कटिंग के द्वारा ही प्राप्त किए हैं। कटिंग ही कुछ इस तरीके की है कि मेरे को खाली फ्रूट पॉइंट ही चाहिए और वही मैं ले रहा हूँ। तो साथियों, इस तरीके से करने के दो तीन फायदे हैं, जैसे वेस्ट टहनी आपको कोई मिलेगी नहीं, प्रॉपर बीमा ही टहने में मिलेगा। जितना एक एक टहने से आप फ्रूट लेना चाहो उतना लेने के बाद बाकी थिनिंग करके उसको छोड़ दो और एकदम क्वालिटी फ्रूट जो है वो आता है। ये पॉइंट देख सकते हो आप, यहाँ से ब्लॉक करने के बाद यहाँ कितने सारे बीमे जो है मेरे को प्राप्त हुए हैं, ये देख सकते हो आप। थोड़ा दिखा दो पौधों को। जितना भी ये पूरा का पूरा बगीचा है, इसमें मैंने इसी तरीके से कुछ काम किया है। आपको टहनियाँ कम टहने ज़्यादा मिलेंगे मेरे पौधों में, और टहनों पे खाली बीमा ही मिलेगा, देख सकते हो आप। ये साथियों, सीज़न में ये पौधे जो है फ्रूट से लद जाते हैं, बहुत सारा फ्रूट जो है इन पौधों पे आता है। जितना ज़्यादा बीमा होगा उतना ज़्यादा फ्रूट होगा। कुछ इसी तरीके से मैंने इन पौधों को तैयार किया है। और ये लेटेस्ट वैरायटी है, गर्म एरिए की वैरायटी है, देख सकते हो फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। अभी तक सर्दियां चल रही हैं, फ्लावरिंग जो है शुरू हो गई। साथियों, यहां से एक टहना था जो टूट गया था, उसका घाव जो है अभी तक इसका भरा नहीं है। इसको थोड़ा ट्रीट करेंगे, हो सकता है ये सूख ही जाए टहना। ये टहना टूटा था यहाँ से, हो सकता है कैंकर पकड़ गया जाए इसको। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आभार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिमाचल, जय चंबा।